हेलो दोस्तों, मैं दिनेश्वर महाराज टोने टोटके में आज आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ बच्चे लोग हैं, कुछ बड़े भी हैं, वो सब बोलते हैं कि गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लगता, परीक्षा में सफल नहीं होते। तो हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ प्रेशर होता है या कुछ याददाश्त शक्ति आपकी खत्म हो जाती है, तो जो पढ़ाई लिखाई करते हैं आप लोग तो वो दिमाग में भी नहीं रहती। तो उसके लिए मैं दो टोटके बताऊंगा। मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता या आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए दो टोटके बताऊंगा मैं, और वो करेंगे आप, याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी आपकी और परीक्षा में भी पास हो जाएंगे आप। पहला टोटका यह है कि जब आप सोकर उठते हैं, उस समय ब्रश करें। ब्रश करने के बाद तुलसी का 7 पत्ता मुंह में रखकर चबाएं, चबा चबा कर उसे खा जाएं, और 1 गिलास पानी लें और उसे पीने के बाद उसे पूरी तरह से मुंह के अंदर पानी लेकर पूरी दांतों के बीच में जो तुलसी का पत्ता फंसा हुआ रहेगा उसे घंघोड़ कर उसे पी जाए। इससे क्या होगा, ये आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा, आप परीक्षा देते हो और फेल हो जाते हो, तो पहले तो एक यंत्र बनाना होगा। आप उस यंत्र को देख लेना, मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। मैं एक यंत्र बनाना है आपको परीक्षा में पास होने के लिए। जब परीक्षा निकट हो तब भोजपत्र एक ले लो, अष्टगंध की स्याही बना लो आप, और अनार की कलम बना लो। भोजपत्र पे वही यंत्र बनाना है जो मैं अभी वीडियो में डालूंगा, और वीडियो में देखें आप, भोजपत्र में उस यंत्र को बना लें। ये आपका काम हो गया। दूसरी बात, जब परीक्षा निकट हो तो आपको करना क्या है, जब खाना खाते हैं आप तो 1-1 घंटे का टाइमिंग देना है, डेली 1-1 घंटे का। पहले दिन परीक्षा है तो आपने 8 बजे खा लिया, दही का सेवन करना है आपको। पहले दिन परीक्षा है तो पहला जो आपके मुंह के अंदर निवाला जाएगा वो दही से मिक्स होगा या दही होगा। पहला 8 बजे आपको खाना है, दही का सेवन करना है। दूसरे दिन आपको 9 बजे खाना है। तीसरे दिन आपको 10 बजे खाना है। चौथे दिन आपको 11 बजे खाना है। जितने दिन का टाइमिंग होगा 1 घंटा बढ़ा लेना है। और दोस्तों, उस भोजपत्र को, उस यंत्र को अपने जेब में रखकर जाएं। 100% गारंटी है परीक्षा में आप पास रहेंगे, भले ही पढ़ाई में मन ना लगे, परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस टोटके को आप करें और आजमा के देखें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय भैरव।